स्टूडेंट्स, द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल कक्षा 12 विषय हिंदी पार्ट एक सज्जन से संत वाणी में कबीर का जीवन परिचय मैंने पढ़ाया था और 5 बोले आपके सामने मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए थे। उनके कठिन शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर ही लिखे थे और अर्थ मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। उसके आगे के जो दोहे है वो हम आज पढ़ेंगे और फिर तुलसीदास जी का जीवन परिचय और उनके दोहे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चों से
कर लेना। अब इसमें देखो बच्चों, कागा पापो दल भरे, कौवा जो होता है वह किस
इसका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया था? मुनिया नामक दासी ने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनके माता पिता थे, फिर इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने कैसे कर दिया? तो इसके बारे में बहुत ही छोटी सी एक कहानी के रूप में आपको इनका जीवन परिचय में पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। ये सारी चीजें आपने अपने नोटबुक में नोट कर ली होगी। जीवन परिचय तुलसीदास जी का जन्म 1525 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम बताया जाता है, इनकी माता का नाम तुलसी बताया जाता है। इनकी वैवाहिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका विवाह वृंदावन से हुआ था। इनके गुरु का नाम गजराजदास बताया जाता है और इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था, लेकिन इनकी शिक्षा जो है वो गजराजदास के द्वारा ही पूर्ण करवाई गई थी। इनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। रचनाओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इनके जीवन पर आधारित एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी, जिससे आपको अब तो मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, क्या पता
होता है और यह किस भाषा में लिखा गया है? अवधि भाषा में लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा अवधि भाषा कौन सी हो गई? अवधि भाषा हो गई। कौन सी हो गई बच्चों? अवधि भाषा हो गई। लेकिन कुछ कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी है। रामचरितमानस अवधि भाषा में रचित है लेकिन कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी इनके द्वारा रचित है। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ और लिखो आप। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती।